अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए मटन कढ़ाई बनाऊंगी, वो भी मिट्टी की हांडी में। मिट्टी की हांडी में जायका और भी दुबाला हो जाता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें देखते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरे का गोश्त आधा किलो, टमाटर 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ के, हरी मिर्च बड़ी वाली 4 से 5 अदद, एक टुकड़ा अदरक, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। खुश्क मसाले कुछ इस तरह से हैं: सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, साबुत लाल मिर्च 5 से 6 अदद। इन तीनों चीज़ों को हल्का सा भून के हम पीस लेंगे। 1 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च, नमक हसबे ज़रूरत, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच। मिट्टी की हांडी को अच्छे से गर्म करने के बाद उसमें हम तेल शामिल करेंगे और उसके बाद हम गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त शामिल करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और अच्छे से भुनाई करते रहेंगे कि जब तक कलर चेंज ना हो जाए। हल्का सा भुनने के बाद जब गोश्त का कलर चेंज हो जाए तो हमें पिसी लाल मिर्च और नमक शामिल कर देना है। इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद थोड़ी देर तक हमें इसको भी 5 मिनट तक भूनना है। उसके बाद हम पानी शामिल करके ढक्कन बंद करके अच्छे से गोश्त को गलने छोड़ देंगे। जब आधे से ज़्यादा गोश्त गल जाए और पानी एक हिस्सा रह जाए तो फिर हमें टमाटर शामिल कर देना है। टमाटर शामिल करने के बाद हमें 10 से 15 मिनट के लिए ढक्कन बंद कर देना है। 10 मिनट के बाद हमें टमाटरों का छिलका अलहदा कर देना है। फिर उसके बाद फिर आँच तेज़ करके टमाटरों के साथ गोश्त को अच्छे से भूनना है, यहाँ तक कि टमाटर अच्छे से घुल जाए और पानी खुश्क हो जाए। जब पानी खुश्क होने लगे तो हमें ये 3 मसाले जो हमने बना के रखे थे वो शामिल कर देना है, पिसी हुई काली मिर्च भी शामिल कर देना है और कसूरी मेथी को हाथ से हल्का सा मसल कर शामिल करना है। तमाम हरी मिर्चें भी शामिल कर दें और हरी मिर्ची शामिल करने के बाद 1-2 मरतबा अच्छे से चलाना है। जब तमाम मसाले मिक्स हो जाएं तो उसके बाद फिर हम ऊपर से हरा धनिया और अदरक बारीक कटी हुई उसको छिड़क करके हम ढक्कन बंद करके 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया, इसका मतलब है कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। उसके बाद आप डिश आउट कीजिए, इसको नान चपाती जिस तरह से भी आपका दिल चाहे इसको खाएं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करें। दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।